शाहपुर के मछियाल निवासी करीब 75 साल के जिस खुशहाल सिंह ने कभी अपनी जिंदगी के अनमोल पलों को इस ख्याल के साथ देश के बॉर्डर्स पर दुश्मनों की टोह लेने में गुजार दिया ताकि कोई दुश्मन उनके देश और घर परिवार को ना उजाड़ दे और साथ ही अपने बाहुबल के बलबूते सकुशल घर वापसी भी कर ली। मगर आज वही खुशहाल सिंह सालों से घर पर पलते अपने खून के प्यासे दुश्मन को नहीं पहचान सके और अंततः जिंदगी की जंग जंगी मैदान में नहीं बल्कि अपने घर पर अपने ही साए से हार गए। दरअसल मामला कांगड़ा जिले के शाहपुर उपमंडल के मछियाल गांव का है। यहां सुनील नाम के एक बेटे पर अपने पूर्व सैनिक पिता की हत्या करने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक सुनील कुमार उर्फ बबलू राम ने अपने 75 साल के बुजुर्ग पिता के चेहरे पर बड़ी ही निर्दयता के साथ तेज धार हथियार का वार कर उन्हें अधमरा कर दिया और जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था तो वहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक रात ब्लॉक का मछियाल निवासी करीब 45 साल का सुनील कुमार अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। पिता खुशहाल सिंह भारतीय सेना से रिटायर्ड सैनिक थे। उनकी दो बेटियां और सुनील कुमार उनका इकलौता वारिस था। ऐसे में उन्होंने उसे बड़े ही लाड प्यार से पाल पोस के बड़ा किया था। अंततः पिता खुशहाल अपने जीवन भर की जमा पूंजी भी उसी के नाम करने वाले थे। इतना ही नहीं तीनों बच्चों के हाथ भी पीले करवा रखे थे। मगर ये बात अलग है कि सुनील कुमार का अपनी ही पत्नी के साथ मनमुटाव चल रहा था और अरसे से दोनों अलग अलग रह रहे थे। पड़ोसियों के मुताबिक आलम ये था कि पत्नी के साथ चल रहे मनमुटाव की बदौलत सुनील कुमार की मनोदशा पर भी गहरा असर साफ देखा जा रहा था। उन्हें नशे की लत भी लग चुकी थी। हालांकि वो जब भी गली कूचे से गुजरता अपने आस पड़ोस के लोगों से बेहद ही शालीनता से वार्तालाप करता मगर उसका व्यवहार बेहद चिड़चिड़ा था, ये सब जानते हैं। सो लोग भी उसे ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे मगर घर पर अमूमन हल्की फुल्की कलह तो चलती ही रहती थी। मगर कभी पड़ोसियों ने भी नहीं सोचा था कि सुनील कुमार इस हद तक भी जा सकता था। फिलहाल जिस घर संसार को अपने वारिस की खातिर खुशहाल ताउम्र संवारता रहा आज उसका उपभोग करने के लिए न वो खुद बचे और न उनका बेटा, इसलिए क्योंकि फिलहाल हत्या के आरोप में पुलिस ने सुनील को गिरफ्तार कर लिया है और पिता खुशहाल इस दुनिया से रुखसत कर गए हैं। अब इतने बड़े घर में महज एक बुजुर्ग अभागिन महिला बच गई है जिन्होंने दुर्भाग्यवश जहां एक ओर अपने जीवन साथी को खो दिया है तो वहीं दूसरी ओर दरिंदा निकले अपने जिगर के कलेजे को भी सलाखों के पीछे धकेलने के लिए न चाहते हुए बयान दर्ज करवाए हैं। वहीं इस घटना में हत्या का मामला दर्ज करने की पुष्टि डीएसपी बलदेव दत्त ने की है। जी आज दिन में पुलिस थाना शाहपुर में सूचना मिली थी कि कोई मार पिटाई हुई है यहाँ पे, तो उसकी पुष्टि करने के लिए पुलिस थाना से हमारे कर्मचारी यहाँ पे आए थे और यहाँ पर जब आए तो आकर के उन्हें देखा कि एक बुजुर्ग जो है घर के अंदर घायल अवस्था में पड़े थे और उनको जब तत्काल हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया जहाँ पर उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। तो उस घटना में जो मृतक हैं उनकी पत्नी के बयान के आधार पर जो है FIR दर्ज की गई है IPC की धारा 302 के तहत और जो डिसीज्ड हैं खुशहाल सिंह उनका नाम है उनके पुत्र के खिलाफ जिसकी उम्र 46 वर्ष है उसके खिलाफ ही जो हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और उसको जब भी पुलिस द्वारा जो है डिटेन कर लिया गया है और इस संदर्भ में हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई है और इस मामले की जो तफ्तीश है वो गहनता से की जा रही है और आगे जो भी आगामी कार्रवाई होगी उसको विधि अनुसार मूल्य मिला जाएगा। अभी मालूम करने की कोशिश की गई कि वजह क्या रही होगी मार्केट जी? अभी स्तर पर ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी हमारा जो अन्वेषण है वो शुरू ही हुआ है तो स्तर पर ज़्यादा कहना उचित न होगा।